GK and cosmetic surgeon. I'm working as an assistant professor, plastic surgery services, Institute of Medical Sciences, Lahore. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है आईब्रो लिफ्ट. जैसा कि आपकी एज के साथ सारी स्किन फेस और नीचे की तरफ आता है ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही जो हमारे आईब्रो हैं ये भी नीचे की तरफ आते हैं और इससे अपर आईज डबल फोल्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं होडेड आईज. सिमिलरली हमारे जो आईब्रो हैं वो भी लिफ्ट करते हैं. जैसा कि मेल के आईब्रो और तरह के होते हैं और फीमेल के और तरह के, मेल में यूजली स्ट्रेट होते हैं और फीमेल में एक आर्च बनती है. एज के साथ ये आर्च खत्म हो जाती है और आपकी स्पेशली जो टेम्पल एरिया है जो कॉर्नर वाला है वो भी नीचे आता है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ आईब्रो लिफ्टिंग प्रोसीजर हम कंबाइन करते हैं विद आई बैग सर्जरी. कंप्लीट पेरी ऑर्बिटल रिजुविनेशन कहलाता है ये. इसमें हमारे लोअर आई बैग्स, अपर आई बैग्स और हम आईब्रो को भी लिफ्ट करते हैं. सो आज स्पेसिफिकली आईब्रो के बारे में बात करें तो फीमेल का आईब्रो यहाँ स्टार्ट होने में मिडिल ब्रो थोड़ा डाउन होता है, देन मिड लाइन ऑफ द प्यूपिल एंड लेटर टू दैट इसकी फुल आर्च ऊपर जाती है और अगेन ये थोड़ा डाउन आता है. सो देयर डिफरेंट ट्रेंडिंग सर्जरीज जो कि कंप्लीट आईब्रो लिफ्टिंग भी करती हैं और सिर्फ कॉर्नर को लिफ्ट भी करती हैं, जिसको हम कैट आई बोलते हैं. तो अगर हम बात करें कंप्लीट आईब्रो लिफ्टिंग की तो उसकी भी अगेन डिफरेंट टेक्निक्स हैं. एक ये कि डायरेक्टली आप ऊपर आईब्रो के ऊपर एक छोटे से कट दे लें, स्मॉल स्कार के साथ लिफ्ट कर सकते हैं इसको. नंबर टू है कि आप दूर से आएँ ताकि आपको कोई स्कार नज़र ना आए. तो पहली टेक्निक में स्कार नज़र आता है, दूसरी में ये फ़ायदा है कि आप सर के अंदर सीन देके स्मॉल कट करके आपके स्कार्स बालों में छुप जाते हैं, उससे भी आप आईब्रो को लिफ्ट कर सकते हैं. और इनमें जो सबसे लेटेस्ट है जो कि हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है और इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक आईब्रो लिफ्ट. इसका मतलब है कि आप स्मॉल कट के साथ कैमरे के साथ आप आते हैं और आईब्रो को कम्प्लीट लिफ्ट करते हैं. तो इसमें कम्प्लीट आईब्रो लिफ्ट भी होता है और जो कॉर्नर ऑफ माउथ है, कॉर्नर ऑफ आईब्रो है और फेस है, इसको हम टेम्पल लिफ्ट बोलते हैं. इसमें आपकी आईब्रो, आपकी आई का कॉर्नर जिसको कैट आई कहते हैं, और मिड चीक, जो चीक लिफ्ट है जो कि 35 टू 40 की एज में सही होता है, वो भी कम्प्लीट लिफ्ट हो सकता है. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसीजर. 2 घंटे से 3 घंटे का प्रोसीजर है और रूटीन में हम प्रेफर करते हैं कि फुल बेहोशी में हो ताकि चीज़ें कंट्रोल में हो, को ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, स्वेलिंग ज़्यादा ना हो. और चूँकि कैमरे के जरिए करते हैं तो स्कार छोटा आता है, छुपा होता है और काफ़ी दूर होता है, सर में पता नहीं चलता और इसका रिजल्ट परमानेंट है. 2 से 3 घंटे की सर्जरी के बाद आपको हम एडवाइस करते हैं कि एक दिन यहाँ आप रुकें और नेक्स्ट डे घर जाएं. ओवरऑल जो ब्रूजिंग है, स्वेलिंग है, 2 हफ्ते में कम्प्लीट ठीक हो जाती है और इसका रिजल्ट परमानेंट है. ओवरऑल ये 99% सेफ ऑपरेशन है, जिसमें कोई इन्फेक्शन का रिस्क है वो 1% से भी कम है और कोई हेयर लॉस, बाल वहाँ से लॉस हो सकते हैं जहाँ पे कट लगा हुआ है, या कुछ अर्सा आपका सर नम रह सकता है, या आपको जो मूवमेंट है आई की या आपकी आईब्रो की फोरहेड की मूवमेंट वो कुछ अर्सा के लिए स्टॉप हो सकती है. लेकिन यूजली इस सेफ सर्जरी विच इज़ द लेटेस्ट वन इज एंडोस्कोपिक आईब्रो लिफ्ट और इसका रिजल्ट सबसे बेहतर इसलिए है कि ये स्कारलेस टाइप टेक्निक है. सिमिलरली नंबर 2 है कैट आई. कैट आई भी अब लेटेस्ट ट्रेंड है, स्पेशली टर्की और वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें आपका आईब्रो का सिर्फ कॉर्नर लिफ्ट करते हैं और अलॉन्ग विद डैट आपके जो आई के कॉर्नर है इसको भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और इस तरह कैट होती है उस शेप में आपको सर्जरी के जरिए सिमुलेट करते हैं कि आपका पूरे का पूरा टेम्पल, कॉर्नर ऑफ आईब्रो और आई का कॉर्नर दोनों लिफ्ट मिलते हैं. सिमिलरली ये भी, इसमें आपको सेंटर में 2 स्कार नहीं आते, सिर्फ साइड पे स्कार आता है, बालों के अंदर छुपा होता है. अगेन इट्स अ 2 आवर सर्जरी प्रेफरेबली परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया, लेकिन लोकल में भी हो सकता है. और अगेन कैमरे वाली भी है और ओपन सर्जरी भी है. ऑब्वियसली दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस होगा, बट द कैमरा वन विच इज कॉल्ड एंडोस्कोपिक कैट आई सर्जरी और एंडोस्कोपिक आईब्रो लिफ्ट इज अ लेटेस्ट वन विच इज मोर एडवांटेज एज कम्पेयर टू द अदर. सिमिलरली नंबर 3 के हम इसी स्कार के जरिए आप जो चीक है इसको भी लिफ्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मिड चीक लिफ्ट और अपर फेस लिफ्ट. सो इसका और नाम है टेम्पल लिफ्ट. तो कंबाइनिंग आईब्रो लिफ्ट और कॉर्नर ऑफ द आईब्रो, आईबॉल और मिड चीक लिफ्ट, ये ऑल कैन बी कंबाइंड. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट और उसकी ख्वाहिश क्या है.
अगर आईब्रो सिर्फ अकेला लिफ्ट करेंगे उसकी कॉस्ट भी कम होगी, रिकवरी भी क्विक होगी। सिमिलरली कैट आई जो चाहते हैं वो आई के कॉर्नर लिफ्ट कर सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हमें फेस लिफ्टिंग का कोई स्कार ना आए और हमें परमानेंट रिजल्ट मिले। देखिए मार्केट में या मेडिकल में नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जिसको हम थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं, हाइफू भी है जॉ लाइन को गाइड करता है, लेकिन ये सारे ऑप्शन यूजली साल से 1.5 साल चलते हैं, लेकिन जो परमानेंट लिफ्ट है वे 5 से 10 ईयर्स चलती है। इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि आपको ऐसा रिजल्ट मिले जो कि आपको डबल रिजल्ट दे, क्योंकि नॉन सर्जिकल का रिजल्ट भी हाफ है, जो सर्जिकल का रिजल्ट भी डबल है और ये 5 से 10 ईयर्स तक चलता है। सो इट्स लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी विद मच बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू नॉन सर्जिकल। और लेकिन एक इसका बस एक ही है कि आइदर देयर विल बी स्कार्स, जो कि इस जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इसमें वो हिडन होते हैं, बालों में छुपे होते हैं। नंबर टू, देर इज अ डाउन टाइम, विच मीन कि आपको 8 से 10 दिन थोड़ा स्वेलिंग होगी, लेकिन इस स्वेलिंग का जब आपके पास टाइम हो यू कैन हैव दिस सर्जरी। और इस स्वेलिंग का आपको ये एडवांटेज है कि इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी, इट विल कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स। थैंक यू।